हजरतगंज चौकी। व्यस्तम भीड़भाड़ वाला इलाका दिन में, लेकिन रात में आवाजाही के वक्त 12 बजे वहां पर पुलिस की मौजूदगी आज तक को नहीं दिखी। सिकंदरबाग चौकी रात 12:20 यहां पर ताला लगा दिखाई दिया। जरा सोचिए, चौकी में अगर कोई मदद के लिए जाए तो वहां पर ताला लटका हुआ है। जागरण चौराहा पुलिस चौकी में रात 12:30 पुलिस कहीं भी नजर नहीं आती है। ये लखनऊ का हाल है। सप्रू मार्ग की बात करें तो 12:40 पर सड़क पर चारों तरफ घना अंधेरा यहां पर देखने को मिला है। जबकि डॉली बाग चौकी की बात करें तो 12:50 रात के वक्त हो रहे थे और वहां पर चौकी पर ताला लटका हुआ आज तक को मिला है। पिंक बूथ महिलाओं के लिए खासतौर से पिंक बूथ बनाया गया है, लेकिन रात 1:15 पर सन्नाटा पसरा हुआ था पिंक बूथ पर भी। वहां आसपास कोई भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आया, चारों तरफ सन्नाटा। यानी कि मदद के लिए अगर कोई जाए तो इन तमाम जगहों पर आपको रात के वक्त मदद कतई नहीं मिलने वाली है। बीती रात हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट के जरिए ये बातें निकलकर सामने आ गई हैं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। समर्थ, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और उसकी राजधानी लखनऊ में अगर 12 बजे के आसपास ये हाल रहता है तो अपने आप में सवाल पूछे जाएंगे कि पुलिस की सतर्कता वहां पर सड़कों पर नजर क्यों नहीं आती, जिसका दावा बार बार पुलिस के अधिकारियों की ओर से किया जाता है। चित्रा, बिल्कुल सवाल पूछे जाएंगे और इसको इस तरह से समझना पड़ेगा। अगर सीक्वेंस से समझे आप, जहां से हमने रिपोर्ट शुरू करी वो हजरतगंज इलाका है। एक लड़की अगर हजरतगंज से गोमती नगर जाना चाहती है तो वो किस रूट से जाएगी, हमने वही रोड दिखाने का प्रयास किया है। आप सपोज करिए कि हजरतगंज से कोई लड़की चलती है मदद की गुहार में, तो वो जब हजरतगंज की चौकी पर जाती है वहां सन्नाटा मिलता है। वो जब गोमती नगर की तरफ बढ़ती है तो उसे सिकंदरबाग जाना पड़ता है, जहां वो पहुंचती है वहां ताला मिलता है। उसके बाद उसको जागरण चौराहा जाना पड़ता है, जो कि रूट मैं बता रहा हूँ गोमती नगर का। वहां उसको चौकी तो खुली मिलती है, लेकिन अंदर एक कॉफी का कप मिलता है जिसमें थोड़ी सी कॉफी है, लेकिन पुलिस वाले वहां से नदारद हैं। उसके आगे बढ़ती है तो सप्रू मार्ग पड़ता है, जो इतना डेंस इलाका है, कहते हैं कि वहां अंधेरा इस तरह का है जहां फ्लडलाइट भी अंधेरे में छुप जाती है, और वहां अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो शायद उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं है। ना कोई पेट्रोलिंग की गाड़ी वहां पर है, ना बाइक पर कोई पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते नजर आते हैं। कहानियां खत्म नहीं होती है, वो गोमती नगर के लिए फिर भी आगे बढ़ती है, और जब वो गोमती नगर के लिए आगे बढ़ती है तो रास्ते में डालीबाग चौकी भी पड़ती है। उसको शायद उम्मीद होती है कि शायद डालीबाग चौकी में उसको मदद मिल जाएगी, जैसा कि पुरानी चौकियों में नहीं मिलती है, पर डालीबाग चौकी पर भी बड़ा सा एक ताला मिलता है। और यहां से होती हुई जाती है वो 1090 क्रॉसिंग, यंगस्टर्स की फेवरेट जगह जो कहा जाता है लखनऊ में, और वहां जब पहुंचती है तो जो दो महिला सुरक्षा के प्रतीक हैं वो दोनों भी वहां उसको सन्नाटे में मिलते हैं। जी चित्रा, उम्मीद यही है समर्थ, कम से कम आपके और शिल्पी की इस रिपोर्ट को देखने के बाद लखनऊ पुलिस की आंखें खुलेंगी, और आधी रात के वक्त जो तालेबंदी जगह जगह चौकी पर हमें नजर आई है, कम से कम उन तमाम तालों को खोला जाएगा। लखनऊ का हाल आपने देख लिया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी।